गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या है, उसका गोल्स क्या है, और ये बहुत सारे हम लास्ट क्लास में हमने देखा था। अभी हम देखेंगे कि इसका क्या क्या स्कोप्स है, ठीक है, रोल ऑफ नर्स क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, ओके, हम देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज केयरिंग रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप विद फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। जो मेन क्या होता है कि जो केयरिंग करने के लिए जो रिलेशनशिप है ना, जो पार्टनरशिप होता है जो फैमिली में और कम्युनिटीज में, तो उसमें हमको क्या करना है, एक रिलेशनशिप बना के रखना है ताकि वो अच्छे से अपना केयर फैसिलिटीज या हमको बता सके या तो प्रॉब्लम्स को बता सके, है ना। दो नेक्स्ट वन इज पीपल आर सीन एंड एसेंशियल पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग इलनेस। पीपल को हमको क्या करना है, देखना है जो पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं ना, जो पीपल्स हैं, उसका प्रोसेस क्या है प्रमोट करने का, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम उसको हम क्या करते हैं, रिलेटेड हम पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं ना, जो और उसका जो प्रिवेंस इलनेस, जो भी इलनेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम करते हैं। देन पार्टिसिपेंट एंड फैसिलेटर रेदर देन जस्ट ए डिस्पेंसर ऑफ मेडिकेशंस और इंफॉर्मेशन। तो जो भी पार्टिसिपेंट है, जो फैसिलेटर है, जो उसको हमको क्या करना है, डिस्पेंसर्स ऑफ मेडिकेशंस और इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमको क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। फोकस ऑन एम्पावरमेंट ऑफ फैमिलीज एंड कम्युनिटी अलाउज द कम्युनिटीज एंड फैसिलिटीज सॉरी फैमिलीज एक्वायर स्किल एंड नॉलेज सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग अबाउट देयर हेल्थ। तो जो भी कम्युनिटी एरिया है उसमें जो फैमिलीज हैं उनको हमको क्या करते हैं, फोकस करते हैं ताकि उनको जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम देख सकें, है ना, उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जो कम्युनिटीज है, जो फैमिलीज है, उनके नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, उसका टेस्ट कर ताकि उनका जो हेल्थ है वो सही से बना रहे। देन फोकस ऑन द पॉपुलेशन एंड सब पॉपुलेशन। हमको क्या करना है, जो भी पॉपुलेशन है उसके ऊपर फोकस करना है और सब पॉपुलेशंस में भी फोकस करना है। देन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन फ्रॉम बोथ केयर गिवर एंड रिसीवर और केयर टू हेल्प एम्पावर द पीपल। तो जो हमको क्या करना है, सेल्फ मैच्योर रिस्पेक्ट करना है, कोऑपरेट करना है, जो दोनों केयर गिवर जो रहते हैं, जो रिसीवर हैं, उनको भी हमको क्या करना है, हेल्प करना है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिटी हेल्थ का। देन नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसका कहाँ कहाँ पे स्कोप है, तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडस्ट्रियल नर्सिंग है, डोमिसलरी नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, स्कूल हेल्थ नर्सिंग, एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, नर्सिंग केयर, होम केयर, जेरियाट्रिक केयर, रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो ये क्या है, स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो हम स्कोप में देखते हैं, फर्स्ट द स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंक्लूड्स हेल्थ प्रमोशन, इलनेस प्रिवेंशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। द स्कोप ऑफ नर्सिंग इज वाइड, देयर इज स्टिल ए मच वाइड स्कोप फॉर ए नर्स। तो जो भी स्कोप है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो किस पे इंक्लूडेड है, हेल्थ प्रमोशन के लिए, इलनेस प्रिवेंशन के लिए, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। तो ये किसके किसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो फैमिलीज है, इंडिविजुअल्स है या कम्युनिटीज है, तो इसके लिए ये
बहुत ज़्यादा हमको देना है, बेनिफिट्स है ना। तो द स्कोप ऑफ नर्सिंग इज़ वाइड देयर स्टिल मच ए वाइडर स्कोप फॉर ए नर्स। तो बहुत स्कोप है नर्सिंग में, है ना, कि एक नर्स कम्युनिटी एरिया को कवर कर सकती है ना, फैसिलिटीज नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती है। तो इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं। नर्स कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेस सच एज होम केयर, नर्सिंग होम, स्कूल हेल्थ सेंटर, ओल्ड एज होम, इंडस्ट्रीज। तो जो जो नर्स हैं वो बहुत सारे प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि होम केयर में, है ना, नर्सिंग होम, स्कूल हेल्थ सेंटर में, ओल्ड एज होम और इंडस्ट्रीज में, तो ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देन होम केयर एक्सटेंडेड नर्सिंग केयर सर्विसेज आर रिसीव्ड बाई नंबर ऑफ पेशेंट इन देयर होम एंड हॉस्पिटल एंड ओवर क्राउडेड फॉर एडमिटिंग द पेशेंट हु रिक्वायर इनडोर केयर और वेन ए पेशेंट इज नीड ऑफ आइसोलेटेड ट्रीटमेंट, है ना। तो जो होम केयर है फैसिलिटीज, हम आइसोलेटेड, जैसे कि कोई आ नहीं पा रहा है ना हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए, या तो किसी को नीड है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, होम केयर फैसिलिटीज़ या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट वन इज़ नर्सिंग होम। तो जो नर्सिंग होम्स होता है उसमें प्राइवेटली रन होता है ना, तो इसमें हम बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं चार्ज मोर फीस, है ना। नर्सिंग होम में हम देखे हैं ना, बहुत सारे नर्सिंग होम्स हैं, तो वहाँ पे वर्क करते रहते हैं और वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। देन स्कूल हेल्थ नर्सिंग, जो स्कूल हेल्थ नर्सिंग है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस स्कोप में, क्योंकि स्कूल में हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, तो वहाँ पे हमको हेल्थ सर्विसेज देना है। जैसे कि एक नर्स है वहाँ पे, वो केयर कर सकती है ना, जैसे कि द नर्स सी कैन आल्सो वर्क एन स्कूल हेल्थ नर्सिंग इन स्कूल। द स्कूल हेल्थ नर्सिंग रेंडर्स सर्विसेज टू प्रिवेंट डिसीजेज, टू प्रमोट एंड मेंटेन गुड हेल्थ, है ना, जो भी डिसीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रमोट करना है हेल्थ से रिलेटेड स्कूल चिल्ड्रंस को, है ना। द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड कैरियड आउट द बाई PSC, है ना। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स हमको क्या करना है, उसके थ्रू PSC के द्वारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारे इसमें हमको पता चलेगा किसको, जैसे कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट एड, डेंटल हेल्थ, स्कूल सैनिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स, फॉलो अप एंड रिफर सर्विसेज। इसमें बहुत सारे चीज़ हमको सॉल्यूशंस मिलेगा, है ना। इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है तो इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट एड देना है, डेंटल हेल्थ केयर देना है, स्कूल सैनिटेशन देना है, देन हेल्थ करना है, रिकॉर्ड्स करना है, ताकि उनका बेसिकली डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत सारा चीज़ हमको हेल्थ सर्विस स्कूल हेल्थ नर्सिंग में हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। देन MCH एंड फैमिली प्लानिंग। तो MCH मदर केयर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, तो इसमें बहुत सारे MCH हमको सर्विसेज प्रोवाइड करना है मदर और चिल्ड्रंस के लिए, मदर चिल्ड्रंस हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, और फैमिली प्लानिंग के बारे में भी दे सकते हैं ना, जो एक नर्स है वो फैमिली प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है किसी फैमिली को, किसी मदर्स को, और कैसे उसका केयर करना है चिल्ड्रंस का, ये सब बता सकती है ना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज, तो बहुत सारे कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के लिए वर्क करती हैं हमारे जो नर्सेज हैं, है ना। द CHN इंक्लूड्स नर्सिंग केयर ऑफ फैमिली इन सिकनेस एंड हेल्थ। द CHN शुड बी एबल टू, CHN मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्स, है ना। तो जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्या होना चाहिए, वो शुड बी एबल होना चाहिए, जैसे कि प्रोवाइड PSC इन कम्युनिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्रोवाइड होना चाहिए, कंडक्ट रूटीन एंटीनेटल पोस्टनेटल विजिट्स, है ना। तो जो नर्स है वो डेली रूटीन करते रहना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, एंटीनेटल पोस्टनेटल विजिट्स करना चाहिए,
ताकि हमको डिलीवरीज और कौन सा मदर्स प्रेग्नेंट है या किन को डिलीवरी होने वाले हैं उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता चलता रहेगा, है ना। रूटीन करने से टू कैरी आउट इम्यूनाइजेशन, हमको इम्यूनाइजेशन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देना है या कोई छूट गया है कोई बच्चा है तो हमको इससे पता चलेगा और हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं। ओके, स्कोप CHN है ना। इन अदर वर्ड्स स्कोप ऑफ CHN इन द कंसर्न विद द फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग ऑफ द वॉल कम्युनिटी। तो जो भी इस कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्या कर सकती है, फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग वॉल पूरे कम्युनिटी को वो अच्छे से बता सकती है। स्कोप वहाँ पे बहुत सारे है ना, स्कोप है। इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज, तो इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज में मतलब बहुत सारे फैसिलिटीज जैसे कि हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ में होने वाले एक्सीडेंट्स वगैरह, है ना। अगर 500 से वर्कर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे एक हेल्थ केयर टीम होना ज़रूरी है और ख़ास करके वहाँ पे एक स्टाफ मेडिकल स्टाफ या नर्सेस को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे फर्स्ट एड के लिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए, केयर ऑफ सिकनेस इंजर्ड, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए वो सारे चीज़ के लिए होना चाहिए। देन रिहेबिलिटेशन ऑफ द इल एंड डिसेबल वर्कर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विस सेज टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज हैं उसको वहाँ पे करने में बहुत हेल्प मिलता है। देन डोमिसलरी नर्सिंग सर्विस, द एरियाज डोमिसलरी नर्सिंग प्रैक्टिस इन कंट्री आर मैटरनिटी सर्विसेज, हेल्थ सुपरविजन, डिसीज प्रिवेंशन सर्विसेज, सर्विसेज फॉर इलनेस एंड एक्सीडेंट्स। द स्कोप इज लिमिटनेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग डोमिसलरी विजिट। तो ये क्या है, बहुत सारे हमको डोमिसलरी हमको नर्सिंग सर्विस में भी हम सर्विस दे सकते हैं। ओके, देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विस, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज में हम क्या कर सकते हैं, मैनी डेवलपिंग कंट्रीज मेंटल हेल्थ बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, मेंटल हेल्थ है ना, स्ट्रेस है, बहुत सारे टेंशन रहता है, सर्विसेज इंक्लूड है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट दे सकते हैं, रिहैबिलिटेशंस दे सकते हैं, साइकोथेरेपी दे सकते हैं। तो ये क्या है, जो धीरे धीरे जो मेंटल प्रॉब्लम्स है वो हमको क्या करना है, इनमें इंक्लूड करके हम उस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं ना, मेंटली प्रॉब्लम्स को। देन जेरियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज, तो जो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वाले जो जेरियाट्रिक पर्सनस हैं ना, द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड टुडे, है ना। बहुत ज़्यादा हमारे वर्ल्ड में नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ गए हैं, है ना। तो ओल्ड पीपल्स तो उनको बहुत सारे मोर प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि डिफरेंट नीड मोर केयर एंड यंगर एज ग्रुप्स। तो बहुत सारे हमको क्या करना है, उनके जेरियाट्रिक केयर्स या सर्विस प्रोवाइड हमको दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, ठीक है। इन मैनी कंट्रीज द ओल्ड एज पीपल आर विजिटेड बाई द नर्सेस एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो जो भी कंट्रीज है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है वो नर्सेस और हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं विजिट करके, ठीक है। देन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, रिहैबिलिटेशन मींस रिस्टोरेशन ऑफ द ट्रीटेड केसेस इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनेबिलिटी। जो रिहैबिलिटेशन मतलब क्या देना है, कि जिनका जो वर्क नहीं कर सकते अच्छे से, उनको हम रिहैबिलिटेट करके हमको हम क्या करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। नर्सिंग इज़ ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल, है ना। जो नर्सिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए। इसमें ऑलरेडी आप लोग पढ़ ही चुके होंगे कि डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या क्या होता है, फिजिकल डायमेंशंस, मेंटल डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल, फिलोसॉफिकल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, सोशियो इकोनॉमिकल डायमेंशंस। ये क्या है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल डायमेंशंस, एजुकेशनल डायमेंशंस, न्यूट्रिशनल डायमेंशंस,
क्यूरेटिव डायमेंशन, प्रिवेंटिव डायमेंशन। तो क्या है, हमको याद रखने हैं कि क्या क्या डायमेंशंस होते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ में बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स, बिहेवियरल, सोशो कल्चरल कंडीशन, इन्वायरमेंट, सोशो इकोनॉमिक, हेल्थ सर्विसेज, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जेंडर, अदर फैक्टर्स आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट। तो रोल ऑफ नर्स हम देख सकते हैं ना, क्या क्या रोल्स हो सकता है, केयर प्रोवाइडर, एजुकेटर, एजुकेट, एडवोकेट, मैनेजर, कोलैबोरेटर, लीडर, रिसर्चर, ये क्या है रोल ऑफ नर्स है। तो आई होप अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो बहुत सारे इसमें आप लोग को अच्छे से स्टडी करने की रोल ऑफ नर्स क्या होता है कम्युनिटी में, और कम्युनिटी का हेल्थ क्या है, डेफिनेशंस क्या है कम्युनिटी का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंस जो कंटेंट्स है, जो टॉपिक्स हैं, उसको आपको याद रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, यहीं पे क्लोज करते हैं।